जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी व्यूअर्स, परफॉर्मर रेडी है और आज नाम गिवन है क्वेश्चन में, उसके साथ डेट को स्किप किया है क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। तो पहली ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अली स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल 40,000। तो कैश की शक्ल में हमारे पास बिजनेस में 40,000 आ रहे हैं और ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहली ट्रांजैक्शन के लिए हमने डेट के कॉलम में उसकी नंबरिंग डाल दी और एसेट साइड पे कैश को लिखा, उसके नीचे 40,000 प्लस किया है। और इसी तरह से लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स हमारे पास नो इफेक्ट है, ज़ीरो बैलेंस, और कैपिटल इंक्रीज कर गया 40,000। तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट क्या हुए, एक तो कैश इंक्रीज़ किया है और दूसरा राइट साइड पे इक्वेशन की कैपिटल में इजाफा हुआ है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000 और 10,000 रुपये की हमने गुड्स खरीदी हैं। अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन कैश पे है या उधार पे, कैश के लिए कैश का वर्ड लिखा होता है और उधार के लिए तीन आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे, अगर ऑन क्रेडिट लिखा है, ऑन अकाउंट लिखा है या नेम गिवन है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन उधार तसव्वुर की जाती है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन पे आप गौर कीजिए, परचेज़ गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000, तो इसमें ना कैश की निशानी है, कैश के मुतल्लिक भी नहीं बताया और ना ही उधार। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश भी ना उसमें हो और ना ही उधार, तो उसे कैश तसव्वुर किया जाएगा। तो ये बात जहन में रखिएगा। तो बी पॉइंट, उसके इफ़ेक्ट हमारे पास से कैश डिक्रीज़ हो रहा है, गुड्स परचेज़ किए हैं तो एसेट में इजाफा हो रहा है, गुड्स आ रही हैं बिजनेस में और गुड्स के नीचे प्लस कर देंगे और कैश के नीचे हम 10,000 माइनस कर देंगे। देन उसके बाद इक्वेशन की राइट साइड पर क्रेडिटर्स के नीचे कोई इफेक्ट नहीं है और कैपिटल पर भी ज़ीरो इफेक्ट है। लाइन ड्रॉ कीजिए और बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे पास कैश रह गया बिज़नेस के पास 30,000, गुड्स हमारे पास 10,000, क्रेडिटर्स हमारे पास स्टिल ज़ीरो और कैपिटल की अमाउंट है 40,000। तो तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। कहता है जी, ही सोल्ड गुड्स टू सलीम, सलीम को गुड्स बेची 8,000 की, कॉस्टिंग रुपीज़ 7,000, 8,000 इज़ अ सेल प्राइस, और उन गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 7,000, यानी बिज़नेस को वो 7,000 रुपये में कॉस्ट कर रही हैं और हमने वो कस्टमर को 8,000 रुपये में फ़रोख्त की। पहले आपने ये गौर करना है कि क्या ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है या कैश पे है। तो इस ट्रांजैक्शन में नेम गिवन है, ये उधार ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट देखते हैं। कैश पे ज़ीरो इफ़ेक्ट, क्योंकि कैश ना इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास गया है ना आया है। गुड्स हमारे पास से डिक्रीज़ हो गई, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि ये ख्याल रखना है, गुड्स में से आपने कॉस्ट प्राइस को लेस करना है। देन एक एसेट का इजाफा होगा और वो है डेटर्स। तो आपने ये बात गौर करनी है कि हमने सलीम को गुड्स उधार फरोख्त की, क्या हमने इससे पैसे लेने हैं या देने हैं। अगर तो हमने लेने हो तो वो हमारा एसेट होता है और एसेट के हेड के नीचे डेटर्स का नाम आएगा, और अगर इसी तरह किसी ट्रांजैक्शन में हमने पेमेंट करनी हो तो वो क्रेडिटर्स के हेड के नीचे आएंगे। यहाँ हमने डेटर्स यानी पैसे रिसीव करने हैं इन नियर फ्यूचर, तो ये डेटर्स के नीचे 8,000 प्लस हो जाएंगे। लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स के नीचे ज़ीरो इफेक्ट। हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में एक और बात भी डिस्कस की गई थी, ये पॉइंट को रिपीट किया ताकि ये आपको और बेहतर अंदाज से समझ आ जाए। तो 8,000 की गुड्स हमने सेल की जो कि 7,000 की, तो बिज़नेस को हमें प्रॉफिट हुआ 1,000 का, वो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद फिर लाइन ड्रॉ कीजिए और बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे। कैश हमारे पास 30,000, गुड्स हमारे पास 3,000 की रह गई हैं, डेटर्स से हमने पैसे जो रिसीव करने हैं बिज़नेस ने वो 8,000 है, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, वो ज़ीरो ही है, और कैपिटल इंक्रीज़ करके 41,000 हो गया। यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि अब तक के आपने जो बातें सीखी उसमें डेटर कैपिटल पे दो इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो लेस हो रहे हैं, एक तो एक्सपेंसेस आएँ तो वो कैपिटल में से लेस करते हैं और ड्राइंग्स हों तो वो लेस करते हैं, और अगर प्रॉफिट हो बिज़नेस में तो वो कैपिटल में ऐड किया जाएगा क्योंकि कैपिटल मालिक का सरमाया इंक्रीज़ कर जाएगा। चौथी ट्रांजेक्शन
ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश, तो ओनर ने 10,000 रुपये मजीद इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में। तो बिज़नेस में आपने ये देखना है कैश पर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन का, यस। तो कैश हमारे पास 10,000 इंक्रीज़ कर रहा है, क्या इस ट्रांजैक्शन का गुड्स पे कोई इफेक्ट हो रहा है, तो गुड्स पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ज़ीरो। डेटर्स पे इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, वो भी नहीं है, ज़ीरो। इसी तरह से क्रेडिटर्स पर भी ज़ीरो इफेक्ट है, बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है और वो 10,000 रुपये मालिक का, ओनर का सरमाया बढ़ रहा है, तो वो वहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। कैश हमारे पास 40, गुड्स 3,000, डेटर्स से 8,000 वसूल करने हैं और क्रेडिटर्स ज़ीरो हैं, कैपिटल हमारा 51,000। लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं, ही परचेज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है और वो 10,000 रुपये का। तो बिज़नेस से कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश को हम माइनस करेंगे 10,000 और गुड्स पे ज़ीरो इफ़ेक्ट, डेटर्स पे ज़ीरो इफ़ेक्ट। यहाँ पे आप एक गलती कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है एसेट साइड पर रेफ्रिजरेटर लिख दिया जाता है, वो क्यों नहीं लिखा जाएगा, वो नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि ये बिज़नेस के लिए परचेज़ नहीं किया गया, ये पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किया गया है, तो ये बिज़नेस का एसेट नहीं है, ये उसकी पर्सनल आइटम के तौर पर कंसिडर, यानी ड्राइंग्स तसव्वुर होगा। तो इक्वेशन की राइट साइड पर जाते हैं, लाइबिलिटीज़ पर ज़ीरो इफ़ेक्ट और कैपिटल में से लेस कर दिए जाएंगे 10,000। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस हमारे पास कैश है 30,000, गुड्स हमारे पास 3,000 की रिमेनिंग है, डेटर्स से हमने 8,000 रिसीव करने हैं और क्रेडिटर्स हमारे पास कोई नहीं, बिज़नेस के आउटसाइड कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट अभी तक नहीं कर रही। कैपिटल हमारे पास 41,000 रह जाएगा और लाइन लगा के क्लोज करने के बाद दोनों साइड्स की इक्वालिटी को प्रूव किया जाएगा, 41,000 ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। राइट साइड पे भी 41,000 है और लेफ्ट पर भी 41,000। तो इस तरह से ये प्रूव हो गई कि इक्वेशन हमारी बराबर है। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और वहाँ पर आप अपने पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।